नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जिले में निर्वाचन आयोग की मंशा अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव स्वस्थ माहौल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, ऐसी तैयारी चल रही है। संपत्ति विरूपण अधिनियम, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध शराब बिक्री व चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी का वेरिफिकेशन से ऐसे कार्य है जिनके साप्ताहिक प्रकृति रिपोर्टिंग हो रही है। रुई प्लान के तहत मतदाता को जागरूक किया जा रहा है। मानपुर व बांधवगढ़ विधानसभा में 587 पोलिंग बूथ, जिले में ईवीएम, पीपीपैड तथा कंट्रोल यूनिट वर्किंग, लोगों को समझाइश दी जा रही है। क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी हमारे जो चिन्हित मतदाता है वो 2545 है और इनके लिए हम सर जिले में टोटल कितने वोटर, कितने बूथ, ये सब की जानकारी इसका अभी प्रारंभिक जो ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ था 31 जुलाई को और अब 27 सितंबर को उसके बाद सर अभी तक क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं निर्वाचन के लिए? आप तैयारियां देख रहे हैं, स्वीप एक्टिविटी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कार्रवाई हो रही है और मोटर व्हीकल एक्ट और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और साप्ताहिक रिपोर्ट कर रहे हैं, जिले में प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।